अपना मोबाइल भी दे दो, अपना मोबाइल कुछ भी कर देना जो अच्छा लाके रख दे, कोई गल नहीं चला दे। आवाज जो सरकार ने हमारे हरियाणा से गुजरा मैनेजमेंट कमेटी के साथ धोखा किया है, उसके लिए असी मीटिंग कई दिनों तो रखना चाहते सी, और अज इस टाइम पर आके असी 19 तरीक फाइनल की थी भी 19 तरीक नी मीटिंग रखा। 19 तरीक की मीटिंग दे विच साढ़े 4-5 मैंबर ने होर पहुँचना सी जिहड़े अज तक रास्ते दे विच है, धुंद का कारण लेट ने। सरकार हरियाणा नूं असी वार वार अपील करी, वार वार एप्लीकेशन लिख के दित्तियां, 15-9 नूं असी एप्लीकेशन जदों कि अजे साडा हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी का सुप्रीम कोर्ट तो कोई फैसला नहीं आया सी, उस टाइम पर भी असी उन्होंने एप्लीकेशन लिखी, और उस एप्लीकेशन दे विच 11 मैंबरां दे विचों एग्जैक्टिव दे 8 मैंबरां ने स्पष्ट रूप दे विच सीएम नूं डीसी कैथल दे थ्रू एप्लीकेशन भेजी भई इह घट गिणती दे विच है ते इहनू प्रधान रहण दा कोई हक नहीं, पर साडी उस एप्लीकेशन नूं सरकार ने नहीं सुनिया, साडी उस गल नूं सरकार ने नहीं सुनिया, और उह अजे तक भी दादोवाल नूं कार्यकारी प्रधान बनाई बैठी है सरकार, पता नहीं उहदा की मोह सी। उस तों बाद 20-9 नूं माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सानूं फैसला दिता, असी बड़ियां खुशियां मनाईयां, हरियाणा सिख गुरद्वारा मैनेजमेंट कमेटी का फैसला सुप्रीम कोर्ट तो आउण तों बाद जिहड़ी 36 मैंबर साढ़े कमेटी दा 41 मैंबरी दे विचों मौके ते हाज़र सन, उन्हां ने सब ने इस गल की खुशी मनाई, सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद भी किया, पर हरियाणा सरकार ने उसका अलग फायदा उठाया। एक बंदा जिहड़ा सी पहला प्रधान बना चुके सी बलजीत सिंह दादोवाल, उस नूं प्रमुख रख के सारिया उहदियां गल्लां सुन के और उहदियां सिफारिशां मन के सारी दी सारी कमेटी RSS नूं संभला दित्ती गई, और अज भी वह बलजीत सिंह दादोवाल नूं प्रधान बनाउण दी सोच रही है सरकार, उसे एजेंडे दे कम कर रही है। जदों कि को दागी 18 लाख दे गबन दा केस दोष श्री अकाल तख्त साहिब ते साडी एप्लीकेशन दित्ती हुई है हरियाणा कमेटी की तरफों, उस एप्लीकेशन दे विच स्पष्ट रूप दे विच दिता गया भई ये कल्ला 18 लाख दा दोषी नहीं, एक लड़की की छेड़छाड़ की वीडियो जी ऑल इंडिया दे विच चल रही है, ऑल वर्ल्ड दे विच चल रही है, फोनां दे उत्ते वायरल हो रही है, उसका भी उसने अजे तक कोई जवाब नहीं दिता, और माननीय अकाल तख्त साहब ने भी उस पर अजे तक कोई कार्रवाई नहीं की। असी फिर अपील करते हैं अकाल तख्त साहब नूं भी इस भ्रिष्ट बंदे ते इस टाइप की कार्रवाई, बेदागी सबूत कितों देगा वो जिहड़े दे उत्ते अज हरियाणा कमेटी का प्रधान बनाउण वास्ते सरकार तुली हुई है। असी कहने आ इस बंदे नूं बलजीत सिंह दादोवाल नूं हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट का प्रधान ना बनाया जाए। दूसरा साडा सरकार ते वड्डा रोस है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले अनुसार जिहड़ी चलदी कमेटी सी जिन्हें संघर्ष किया 36 मैंबरां ने उन्हां तों विच्चों ही उसे कमेटी नूं इह कार्ज संभालना सी, पर सरकार की बदनीयती सी उन्होंने RSS नूं इस कार्ज नूं संभालने वास्ते सारा फेरबदल किया। एक बहुत बड़ी साजिश के अधीन उन्होंने एक अध्यादेश लिया, अध्यादेश लिया के कमेटी नूं भंग किया गया, जिन्हां मैंबरां ने इस कमेटी दे विच योगदान दिता सी 20 साल की लड़ाई लड़ी सी उन्हां नूं सारिआं नूं पिछे धक्किआ गया, ते सिर्फ ते सिर्फ वह मैंबर लिआंदे गए जिन्हां दी 10 मैंबर तां घट्टो घट्ट नाल उन्हां दे विच उह ने जिन्हां ने हजे इस 3 महीनों के अंदर अंदर अपने केस दाड़ियाँ रखे है, अज उन्हां दे सिरां तों पग्गां लवा के देखिया जाण वो मोने ने, अज वो RSS दे बंदे लिया के साडी कमेटी दे विच वाड़िया, टोटल कमेटी ते हरियाणा सरकार कब्जा करना चाहुंदी है, जिहदा असीं पूर जोर डट के विरोध करांगे। आउण वाली जिहड़ी कर परसों 21 तरीक नूं इत्थे प्रोग्राम रख्या गया सरकार वल्लों, असीं आम जनता नूं अपील करदे हां इस दा डट के विरोध करना है, जिथों तक भी हो सके ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਥਰੂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
इत्थे ज़्यादा तो ज़्यादा संगत पहुँचे और 21 तरीक नूं जिहड़ी RSS नूं संभलाउण जा रही है हरियाणा सरकार कमेटी उहदा असीं डट के विरोध करांगे ते उह कमेटी असीं नहीं बणदे। शुभ नाम की तुहाडा? मेरा नाम जसवीर सिंह भाटी, इस तों पहलां कमेटी का जनरल सैकटरी, अज भी हाँ, हजे तक कमेटी साडी गायब नहीं हुई। अज भी मैं हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी का जनरल सैकटरी हाँ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਵਾਂਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਭਾਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਵੀ ਦਾਦੂਵਾਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਰੋਪ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਵੀ 18 ਲੱਖ ਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਰੋਪ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ 2 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਬਜਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਅੱਜ ਤੀਕਰ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਜਨਰਲ ਬੋਡੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਤੀਕਰ ਹਿਸਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਪਰਾਧੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਪਰਾਧੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਤੇ ਚੋਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਤੇ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਰੋਪ ਲੱਗੇ ਨੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਰੋਪ ਲੱਗੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਬੰਦ ਸੈਕਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ RSS ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਕਿ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਓ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ RS ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜੋ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾਸ਼ਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ 36 ਮੈਂਬਰ ਪਹਿਲੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਨ ਹੁੰਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਣੇ ਅਤੇ ਜੋ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ 18 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਬਟ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਨਿਆਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਨਿਆਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੇ ਕਿ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਓ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਕਰੋ ਅਤੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਇੱਥੇ, ਛੱਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਛੇਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਛੇਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਸਾਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੌਣ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਦਾਦੂਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਝੰਡਾ ਸਾਹਿਬ ਇਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਕੌਣ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਕੌਣ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਕਮੇਟੀ 36 ਮੈਂਬਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂਬਰ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੌਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਦਾਦੂ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਬੋਲ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਰੋਪ ਨੇ, ਛੇੜਛਾੜ ਦੇ ਆਰੋਪ ਨੇ ਕਿ 2 ਕਰੋੜ ਦਾ ਅੱਜ ਤੀਕਰ ਬਜਟ ਦਾ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਜਨਰਲ ਬੋਡੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਵੇਖੋ, ਝੰਡਾ ਤਾਂ ਸਤੀਫਾ ਹੀ ਦੇ ਗਿਆ, ਝੰਡਾ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇਗਾ ਜੋ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਗਿਆ? ਝੰਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਜੋ ਪਿਛਲੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਅਤੇ 18 ਮਹੀਨੇ ਵਾਸਤੇ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜਾਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਅੱਗੇ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਚਲਾ ਲੈਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂਬਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧੱਕਾਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਧੱਕਾਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ ਆਣ ਕੇ ਡਟ ਕੇ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਸੰਗਠਨ ਕੋ ਚਲਾਉਣ ਕੇ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਤੀ ਹੈ? ਕੌਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ ਪ੍ਰਧਾਨ? ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਏ? ਦਾਦੂਵਾਲ ਆਪਕੋ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਡਾ ਆਪਕੋ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ, 36 ਮੈਂਬਰ ਚੁਣਨਗੇ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ? ਉਹ ਤਾਂ 36 ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਚੁੱਕਣਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 36 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ 36 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣ ਲਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 23-5 ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, 10ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਪੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣ ਕੇ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਅਪੀਲ ਪਾਈ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ 36 ਮੈਂਬਰੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਰੇ 36 ਦੇ 36 ਮੈਂਬਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ 36 ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਣਗੇ ਉਹ ਬਣੂਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ 36 ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਣਗੇ ਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਹ ਬਣੇਗਾ।
वो नहीं बनेगा भी मैं प्रधान बन गया अपनी मर्जी नाल बने तो एक तो प्रधान बनेगा ना दादू बाबू चुनाव चुनाव किसी का नाम मैं चुनाव किसी का नाम मैं अकेला कैसे रख सकता हूँ मैं अपना एक वोट दे सकता हूँ अच्छा प्रधान के नाम से मैं किसको दूं वो मेरी मर्जी है बंद संदूकड़ी में दूंगा बंद संदूकड़ी में दूंगा आजाद नहीं मैं दूंगा ना खुल के नहीं दूंगा जब खुल के दूंगा तो सजा है मेरे को इक्की तारीख को भी हम कानून भंग नहीं करेंगे पर सरकार के इस जो गलत फैसला लिया है कमेटी के लिए आरएसएस के हाथों में सरकार कमेटी देना चाहती है उसका विरोध हम कुरुक्षेत्र में सारी हरियाणा की संगत को पंजाब की संगत को ऑल इंडिया की संगत को कहते हैं हमारी सहायता के लिए यहाँ आए ये कमेटी हम किसी कीमत पर आरएसएस के हाथों में नहीं जाने देंगे क्योंकि 20 साल जिन लोगों ने संघर्ष किया हम सब सम्मान नहीं जाने हमारी ये डिमांड है जी हमारा ये मुख्य एजेंडा है कि जिस तरीके से हरियाणा सरकार आज चोर दरवाजे से जो कि अमृतधारी नहीं है पूर्ण रहित मर्यादा में नहीं है उन लोगों को मेंबर बना के चोर दरवाजे से दादूवाल को हरियाणा सिख मैनेजमेंट कमेटी का प्रधान बनाना चाहती है वो बिल्कुल गलत है हरियाणा की संगत हरियाणा का सिख इस बात को अच्छी तरह जानता है कि इनमें जनसंघियों का प्रवेश हो चुका है और ये हरियाणा सिख कमेटी ना होकर जनसंघियों की कमेटी बनने जा रही है हमारा इसके प्रति विरोध है इसके साथ साथ हमारी ये डिमांड है कि जो लोग जिन्होंने जो इसके फाउंडेशन स्टोन का काम किया है जिन्होंने इसकी नींव रखी है हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी की उनको सरकार ने एकदम जैसे दूध में से मक्खी निकाल के फेंकते हैं ऐसे फेंक दिया उनका सम्मान होना चाहिए उनकी कदर होनी चाहिए उनको भी प्रधान चुनने में उनकी सलाह ली जाए या उनको वोट का हक दिया जाए ये हमारी मुख्य मांग है हम ये जो सरकार की आजकल कारगुजारियां हैं हम इसके खिलाफ सरकार को सचेत भी करना चाहते हैं और अपनी भावनाओं से उनको अवगत कराना चाहते हैं देवराज जी आपकी नज़र में कौन हो प्रधान दो लोगों ने तो मना कर दिया हम नहीं लड़ेंगे आपकी नज़र में कौन होना चाहिए देखो जी ये इतनी बड़ी संस्था कोई भी संस्था होती है उसको देखो इसके बारे में मैं बात करूंगा तो छोटा मुंह बड़ी बात वाली बात हो जाएगी देखो हरियाणा के हम जो एक्टिव कुछ मेंबर्स हैं कुछ अब लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने बिना मेंबरशिप के भी कमेटी के साथ कंधे से कंधा मिला के काम किया है उन लोगों को सभी को बराबर का अधिकार होना चाहिए चाहे वो सर्वसम्मति से किसी प्रधान को चुने चाहे वो वोट के जरिए प्रधान को चुने ऐसे हमारे पास काबिलियत वाले कम से कम 10 लोग हैं जो कमेटी को बहुत अच्छे ढंग से मैनेजमेंट कर सकते हैं अच्छे ढंग से चला सकते हैं सभी लोगों को साथ लेकर उनमें चलने की क्षमता है उन लोगों में से प्रधान बना दिया जाए हमें कोई एतराज नहीं है लेकिन सरासर आजकल जैसे दादूवाल की तरफ हरियाणा सिख संगत की नज़र है कि सरकार उनके ऊपर ये प्रधान थोपना चाहती है जिसको कि अमर्यादित कामों के अंदर वो संलिप्त है और उसको संगत कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी मेरा ख्याल उसके ऊपर शायद अगर वो प्रधान बना दिया तो लोग पत्थर मार मार के उसको हरियाणा से बाहर ही भगा देंगे।